गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में घड़ियों के शोरूम में एक बड़ी चोरी हुई थी और चोरी थी 3 करोड़ रुपए की, यानी कि 3 करोड़ रुपए की जो महंगी घड़ियां थी। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। वो चोर लेकर फरार हो गए थे। काफी दिनों से पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। आज गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा किया है और खुलासा करने के बाद आपको तस्वीर दिखाते हैं कि शायद ही ये घड़ियां आपने कभी देखी होंगी और अपने हाथों में पहनी होंगी, क्योंकि इनकी जो कीमतें हैं वो काफी महंगी हैं। इन घड़ियों को सिर्फ वही पहन सकते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए की दौलत हो, क्योंकि एक एक घड़ी की कीमत 4-4 लाख रुपए है। तो काफी महंगी ये घड़ियां हैं और काफी बड़ी रिकवरी है ये, इस समय कह सकते हैं, क्योंकि घड़ियां जो हैं काफी हैं, लेकिन अभी भी इसमें काफी जो माल है वह बरामद नहीं हुआ है। इसमें 2 चोर गिरफ्तार हुए हैं, बाकी 8 जो चोर हैं वो मौके से अभी फरार हो चुके हैं, लेकिन वो अभी गिरफ्तार नहीं है। बताया जा रहा है कि नेपाल कनेक्शन है, नेपाल में वो चोर पहुंच गए हैं। तो गाजियाबाद पुलिस हालांकि तमाम कोशिशें कर रही है कि वे चोर गिरफ्त में किसी भी तरह आ सके, क्योंकि उनके पास अभी और करोड़ों रुपए की जो घड़ी है वो इस समय मौजूद है। हालांकि वो उनके पास मौजूद है या बेच चुके हैं ये तो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही मालूम चलेगा। तो आपको ये महंगी महंगी हम घड़ियां दिखा रहे हैं जो कि हाथ में बांधने के बाद आपका समय बताती हैं। 100 रुपए की घड़ी भी समय बताती है और लाखों रुपए की घड़ी भी समय बताती है, लेकिन ये हाथ में बांधने के बाद बड़ी ही सुंदर और अच्छी लगती है। बात करते हैं गाजियाबाद के जो ट्रांसजेंडर के DCP हैं निमिष पाटिल सर, इन चोरों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से इस बड़ी चोरी की घटना को उन्होंने अंजाम दिया, किस तरह यहां से पहुंचे, और आला जिस तरह से बताया गया कि एक बड़ा ये गिरोह है जो कि अंतर्राज्यीय गिरोह है जो कि लगातार चोरियां करता रहता है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, वहां पर किस तरह से ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पहुंचे, किस तरह से इन्होंने रूम लिया और इस शोरूम को ही आखिर क्यों इन्होंने निशाना बनाया, क्या यहां से कोई मुखबिर भी था? देखिए, ये जो गैंग पकड़ा गया है इसे चादर गैंग भी कहते हैं और घोड़ासन गैंग भी कहते हैं। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसने इससे पहले महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, UP में घटनाएं कर चुके हैं। इनका जो घटना करने का तरीका है उसमें ये जहां इनको घटना करनी होती है वहां ये 20 दिन पहले इनके 3-4 व्यक्ति आके रेकी करने के लिए एक रूम किराए पर लेके रहते हैं। जैसे हमारी वाली घटना में ये नोएडा में सेक्टर 63 में 4 लोगों ने एक कमरा किराए पे लिया था और यहाँ के जो लग्जरी शोरूम्स हैं जिसमें ये कभी कभी महंगे मोबाइल की शोरूम, महंगे घड़ियों की शोरूम या फिर ज्वेलरी की दुकानें इनकी रेकी करते हैं। इसी रेकी के चलते इन्होंने ये जो साई क्रिएशंस एक हमारे यहाँ लग्जरी वॉचेस की शोरूम है उसे चिन्हित किया था। घटना ये अपना दुकान चूज करने के बाद, चिन्हित करने के बाद ये इनके अन्य साथियों को इसकी खबर देते हैं जिसमें इनके 10 से लेकर 12 गिरोह के सदस्य होते हैं। तो ये घटना करने का डेट फिक्स कर देते हैं, उसके बाद वो बाकी गिरोह के मेंबर्स इनको ज्वाइन कर लेते हैं और घटना से एक दिन पहले ये अपना फ़ोन बंद करके घटनास्थल पर ये मोस्टली पैदल पहुँच जाते हैं। पैदल पहुँचते ही जो ये इनके पास एक चादर होता है उस चादर से शटर को ढक लेते हैं, इसलिए इनको चादर गैंग भी कहा जाता है। शटर को ढकने के बाद इनके 2 लोग चादर पकड़ते हैं, 2 लोग शटर आगे खींच के अंदर चले जाते हैं और 2 लोग इनके जो है वो रास्ते पे रेकी कर लेते हैं। ये घटना के समय कोड वर्ड भी यूज़ करते हैं जिसमें जो अंदर गए हैं उनको प्लेयर्स कहते हैं, जो बाहर रेकी कर ले उनको फील्डर्स कहते हैं। तो एक प्रोफेशनल तरीके से ये घटना को अंजाम देते हैं। घटना होते ही ये तुरंत जो रूम किराए पे लेते हैं वहाँ पे जाके इनके माल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बंटवारा करते हैं और सभी अलग अलग होके पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके, कोई बस लेके, कोई रेलवे लेके, ट्रेन लेके, अपना जो मूल था ये घोड़ासन से है वहाँ घोड़ासन चले जाते हैं, इसीलिए इनको घोड़ासन गैंग भी कहा जाता है। और वहाँ से वो घोड़ासन में या फिर वहाँ बगल में ही जो बॉर्डर पे नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पे माल को डिस्पोज करके फिर मामला शांत होने के बाद फिर से नई घटना करने के लिए चलते हैं। सर, गिरफ्त में कैसे आए, क्योंकि अभी 2 ही जो चोर है वो गिरफ्त में आए हैं, बाकी फरार हैं, ये इनकी इनका मालूम कैसे चला, कैसे इनके पास तक पुलिस पहुँची? देखिए, जो इसमें क्योंकि ये मोबाइल का इस्तेमाल काफ़ी कम करते हैं
इसके वजह से इनको मोबाइल से, जो मोबाइल फॉरेंसिक्स होती है हमारी, उससे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो हमने इस घटना में सीसीटीवी और जो मैनुअल इनपुट्स होते हैं हमारे मुखबिर द्वारा, इन पे काम किया था और इसी के आधार पे हमने इस गैंग को चिन्हित किया था और उसी के आधार पे इन दो लोगों को गिरफ्तार करके इसमें जो शेष अभियुक्त है जो कि 8 व्यक्ति फरार है उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और बचा हुआ माल है उसकी बरामदगी भी की जाएगी। सर ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि जो बाकी कुछ लोग हैं वो नेपाल में हैं तो नेपाल में भी माल लेकर चले गए हैं, तो किस तरह से वहाँ पर, क्योंकि दूसरा देश पड़ जाता है, तो किस तरह से वो अब गिरफ्तारी, क्योंकि आपकी जो पुलिस है वहाँ पर उनका सर्वेलेंस नहीं चल पाता है, कैसे उन तक पहुँचेगी वो चोर, किस तरह से उन्हें आप ट्रेस करेंगे, उन्हें पकड़ेंगे आप किस तरह से और आगे खुलासे की उम्मीद कर सकते हैं आपसे? इसमें जो पूछताछ में इन्होंने बताया है दो लोगों ने, इसमें नेपाल का भी जिक्र आया है। अभी जो इसमें वांछित चल रहे, फरार चल रहे, इनको हमने अभी लोकेट करके अगर इसमें से कोई नेपाल में भी पाया जाता है तो संबंधित जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की पुलिस है, उनसे कोऑर्डिनेट करके और जो हमारी तरफ से जो भी पत्राचार करना होगा वो करके उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और बचा हुआ माल भी बरामद किया जाएगा। तो देखिए काफ़ी बड़ा ये एक कहें कि खुलासा है, क्योंकि अंतर्राज्य ये गैंग है, ये गैंग पहले उस क्षेत्र में पहुंचता है जहां पर उसे महंगे महंगे शोरूम टारगेट जिन्हें करना होता है वो दिखाई देते हैं। पहले ये रैकी करते हैं और रैकी करने के बाद ये वहां पर अपने साथियों को लेकर पहुंचते हैं। चादर गैंग जिस समय शटर को उखाड़ते हैं या शटर का ताला तोड़ते हैं तो वहां पर एक शटर जैसी चादर होती है, कुछ साथी वहां पर खड़े हो जाते हैं क्योंकि इसलिए कि कोई देखे तो ये ना समझे कि यहाँ पर कुछ ये शटर को तोड़ा गया या चोरी अंदर की जा रही। तो काफ़ी बड़ी ये चोरी है, 3.5 करोड़ रुपए की चोरी ये बताई जा रही है। और अब इस चोरी में कुछ जो घड़ियाँ हैं वे बरामद हुई हैं जो कि लाखों रुपये की हैं। अभी हालांकि अभी और भी साथी हैं उनसे भी बरामद की उम्मीद है। 8 लोग अब इसमें फरार हैं, 2 गिरफ्तार हैं जिसमें से 1,00,000 का इनामी भी एक जो चोर है वह बताया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।